भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक के समापन समारोह में सीएम शिवराज के भाषण पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने समापन भाषण में अपने विरोधियों को हंसते हुए जवाब दिया और उन अटकलों को खारिज करने की कोशिश की जिसमें सीएम बदलने की चर्चा होती है। सीएम शिवराज ने कहा कि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर कोई गलत फहमी में ना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि समझने वाले उनकी बातों को समझ गए होंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जरा ये मत सोचना कि राजनीति में मीडिया वाले चला देते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब गलत फहमी में हर बात शेयर करते हैं। और इसे मैं कह रहा हूँ समझने वाले और इसलिए संगठन के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन क्रियान्वयन में प्रमाणिकता क्या है, जब पार्टी का कार्यकर्ता लग जाएगा लगना चाहिए, जब वोट मांगने जाता है तो योजना का लाभ दिलाने क्यों ना जाए, मुझे कोई संकोच नहीं है। जा सीएम शिवराज यहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को भी खूब कोसा। सीएम शिवराज ने कहा कि कुछ दिन पहले तक कांग्रेस वाले बोलते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, आज वही कांग्रेस ही भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। ये कोई करता करता तो होता है, ये कांग्रेस ही गाने लगे थे मंदिर वही बनाएंगे तारीख भी बताएंगे, तारीख भी है शिलान्यास भी है भव्य मंदिर भी बन रहा है, देश की राजनीति का एजेंडा बदल दिया। जिस देश में हिंदुत्व की बात करने वालों को सांप्रदायिक माना जाता था, जो पानी पीपी के पोस्टर थे हमें, वो आज सड़कों पर राम धुन गा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरिया के मंत्र, लेकिन हनुमान जी भी पात्र पी के ना करते हैं। राहुल गांधी त्रिपुट लगा रहे, ये एजेंडा बदल के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदुस्तान की राजनीति अगले से ज्यादा राम राम जय श्री राम, राम के बिना पार नहीं, यह ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है देश की राजनीति। आपको बता दें कि भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी एक्शन के मोड में नजर आई। सभी संभागों के विधायकों से वरिष्ठ नेताओं ने 1-to-1 चर्चा की और चुनाव को लेकर भी कई निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।